रमजान के मुबारक मौके पर भारी छूट, गढ़वाबाजार.com पर आएं और सामानों की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करें। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्य सरकार को आत्मचिंतन करने की सलाह देते हुए कहा कि आज राज्य में दारू व्यवसाय से जुड़े लोगों के अलावा इस सरकार के आमजन काफी निराश और आहत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी हकीकत जानने के बजाय सब ठीक ठाक होने का झूठा दिखावा करने में व्यस्त है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य की एक बड़ी आबादी उपेक्षित है। जैसे पहला मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद होने से राज्य के 35 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। दूसरा, सरकार की उपेक्षा के कारण ही प्रवासी मजदूर बेचारे आज सड़कों पर है, वे न घर के रहे न घाट के। तीसरा, संवेदकों के भुगतान पर रोक लगने से उनसे संबंधित मुंशी मजदूर ऑपरेटर सप्लायर समेत सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। चौथा, पारा शिक्षक सेविका सहायिका वीआरपी सीआरपी समेत सभी अनुबंध कर्मी असंगठित क्षेत्र के मजदूर पढ़े लिखे नए वकील पत्रकार बंधु छोटे मोटे बीमा एजेंट कर्ज लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छोटे मजरे दुकानदार क्लर्क टाइपिस्ट स्टोनो रिसेप्शनिस्ट ऑफिस बॉय निजी स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी धोबी नाई कुम्हार ट्रांसपोर्टर बस वाले रिक्शा वाले ड्राइवर खलासी कंडक्टर इत्यादि समेत समाज के सैकड़ों वर्ग के लोग आज सरकार से नाउम्मीद हैं। सरकार इनके प्रति तनिक भी चिंता न करते हुए सिर्फ और सिर्फ झूठा वाहवाही लूटने और प्रेस मीडिया में बने रहने के लिए सब कुछ ठीक ठाक होने का ढिंढोरा पीटने का कार्य कर रही है। सरकार के पास उपरोक्त लोगों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। साथ ही साथ श्री तिवारी ने कहा कि राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी आबादी है, जो सरकार द्वारा नौकरी नहीं दिए जाने पर कंपनसेशन के रूप में 5,000 रूपए प्रति महीना एवं 7,000 रूपए महीना की दर से योग्यता के अनुसार देने की घोषणा से उम्मीद लगाकर अभी भी इंतजार में है। इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार अपनी घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित करने के बजाय राज्य के लाखों बेरोजगार नौजवानों को छलने का काम कर रही है। पूर्व विधायक ने राज्य सरकार को राजधर्म का पालन करने की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार अविलंब उपरोक्त वर्णीय राज्य की बड़ी आबादी के साथ न्याय करते हुए समस्या समाधान के प्रति गंभीरता दिखाए।